नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, आपने देखा होगा इसके पहले हम गरीबी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, कैसे उपाय क्या कुछ है, कारण क्या है, उनके बारे में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बेरोज़गारी के बारे में और आज आपको ये पता चलेगा इस वीडियो से कि एग्जैक्टली आप बेरोज़गार हैं कि नहीं हैं। हाँ जी, आप बेरोज़गार हैं कि नहीं है उसको भी मैं आप यहाँ पर बताऊँगा। तो यूपी टेट सीटेट सभी के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। आप जैन अकेडमी पर फॉलो करना बिल्कुल से मत भूलिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। दोस्तों, ये थी कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ। गरीबी हो गया, जनसंख्या वृद्धि दिया हुआ है इसमें, उसके बाद जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व को देखिए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व को आप जोड़ सकते हो उसी में। जनसंख्या वृद्धि होगी क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी जो है वो फैल रही है, या आपका घर जो है वो एक विश्वा में बसा हुआ था वो आपका दो विश्वा में हो जाएगा, लोग वो आराम से रहेंगे। फिर ऐसे में उसी एक विश्वा में जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहना पड़ेगा। विश्वा मान लो, बीघा मान लो, कुछ भी कह लो, ऐसे में क्या है, या स्क्वायर किलोमीटर जो भी आप बोलते हो भाई, ठीक है, तो ऐसे या वर्ग किलोमीटर, वर्ग उसमें मीटर जो भी बोलते हो, तो ऐसे में क्या है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब डेंसिटी, डेंस होते जा रहे हैं, घना हो, घनी होती जा रही है वो जगह है। तो उसको ये जनसंख्या घनत्व को आप जनसंख्या वृद्धि से जोड़ सकते हो। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है आपका जो है वो है बेरोज़गारी। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है एक ऐसी अवस्था से हम इसका मतलब निकालते हैं जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार रहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। मान लीजिए 100 रुपये मजदूरी दर है, सरकार ने कहा है कि भाई ठीक है 100 रुपये मिलना चाहिए और वो भी उसे नहीं मिल रहा है। किसी देश में बेरोज़गारी की अवस्था वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं और वे वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे में कई रीजंस होते हैं जिसके कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। आपको मैं बता दूँ, लिखा हुआ है अतएव बेरोज़गारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो काम करने योग्य होते हैं, काम करने के इच्छुक होते हैं और वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको, उसको नोट करिएगा और वो डिसाइड करेगा कि आप बेरोज़गार हैं कि नहीं। कुछ क्राइटेरिया हैं, देयर आर सम क्राइटेरिया ये डिफाइन करने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है क्या। मैं आपको बता दूँ, पार्ट ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, मतलब काम करने वाला जो आयु सीमा है, काम करने वाला मैंने बोला है, काम करने वाला आयु सीमा यानी 15 से लेकर के 64 साल के बीच में सबसे पहले उनकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। उससे जो बिलो आएंगे 15 से नीचे वाले और अगर 64 से ऊपर उनकी एज है तो वो आश्रित कहलाते हैं। ये सवाल आपका पूछा गया था, वो आश्रित कहलाते हैं। 15 से 64 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, उससे कम है या ज़्यादा है तो आप आश्रित होगे, डिपेंडेंट होगे अपने किसी एक सदस्य या परिवार के सदस्य के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है क्राइटेरिया, पहला तो ये हो गया। सेकंड क्राइटेरिया है कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेंटली फिट होनी चाहिए वो। काम करने की इच्छा क्या है, काम करने की इच्छा यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, या उसमें जो है कि विलिंगनेस टू डू वर्क कह सकते हो आप। नाउ तीसरा पॉइंट, विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग मार्केट रेट, मतलब उस समय जो बाजार मूल्य है उस पर वो इच्छुक हो काम करने को। तीसरा पॉइंट, पहले तो उनमें एबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए, दूसरी वो इच्छुक हो काम करने के जो इस समय बाजार मूल्य है, किस पर, बाजार मूल्य पर। भाई ये तीनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्राइटेरिया होते हुए भी हम बेरोज़गार हो सकते हैं अगर हम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जो राष्ट्रीय आय है ना, अगर हम वहाँ पर भागीदार, जैसे क्या होते हैं दो नंबर के धंधे वाले जो होते हैं, समझ रहे हो आप, दो नंबर पैसा वाले, वो क्या करते हैं ना, टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं ऐसे, उसमें तो वो भागीदार नहीं होते हैं ऐसे में, ठीक है। तो इन चीज़ों के, पहली बात ये तीनों क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है, और अगर ये चीज़ें हैं और उसके बाद ही आप कहोगे कि ठीक है वो बेरोज़गार है, और ऐसे में अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो उसको आप डिसाइड कर देते हो कि वो क्या है, बेरोज़गार है। आशा करते हैं कि यहाँ से आज आपको बेरोज़गारी का मतलब समझ में आया होगा। कोई लीगल वर्क कर रहा है, चोरी कर रहा है, या जो नेगेटिव चीज़ों में सारी चीज़ें हैं मतलब उसमें, तो वो क्या होते हैं, वो नेशनल इनकम में पार्ट नहीं कर रहे होते, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये बातें हो गई, आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा,
देखिए कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं है, बीमार हैं, बच्चे बूढ़े हैं, विद्यार्थी आदि जो बेरोजगार में शामिल नहीं किया जाता है, लिखा हुआ है। इस प्रकार जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते हैं उनकी गणना भी बेरोजगारी में नहीं की जाती। आपने देखा विलिंगनेस टू डू वर्क होना चाहिए। ओके चलिए जी, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसमें बेरोजगारी की परिभाषा प्रोफेसर पीगू ने कुछ बताई है। अर्थशास्त्र है पूरा सेगमेंट आपका। एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाह रहा होता है। वहीं बायरस और स्टोन महोदय का क्या स्टेटमेंट है, इसे आप पढ़ सकते हो, इन्होंने क्या बोला है। प्रोफेसर पीगू और इन लोगों का नाम बहुत आता है जी जब आप बात करते हो बेरोजगारी को लेकर के। और आपके मैं भारत की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भगवती कमेटी थी, इस कमेटी का नाम याद कर लो, भगवती समिति थी। ये आई थी 1973 में, कब 1973। और इसी ने जो है काफ़ी कुछ मापने को लेकर के कि आप बेरोजगारी का मापन कैसे करोगे, इसने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, है ना। तो भगवती कमेटी का नाम याद रखिएगा जो कि बेरोजगारी से संबंधित है। रॉफिन एंड ग्रेगोरी महोदय ने कैसे बोला है कि बेरोजगार व्यक्ति वह है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, जो सक्रिय ढंग से काम की तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। ओके, बेरोजगारी के प्रकार दोस्तों दो प्रकार की आपकी जो देश है उनको लेकर के बात करते हो, एक डेवलप्ड इकोनॉमी और एक आपका जो है जो अंडर डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। एक डेवलप्ड है जो विकसित हो चुकी हैं, दूसरी है अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और साइक्लिकल, है ना, एक घर्षणात्मक और एक चक्रीय बेरोजगारी होती है। कौन सी, घर्षणात्मक और चक्रीय, सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहीं अनडेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, छिपी बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, है ना, शैक्षिक बेरोजगारी है, या फिर उद्योग वगैरह है, उद्योग से संबंधित बेरोजगारी है। ये सारी बेरोजगारियाँ जो है देखने को मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ऐच्छिक बेरोजगारी। जब ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करते हो, लिखा हुआ है जब श्रमिक मजदूर को वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार ना हो और काम होने पर भी अपनी इच्छा से काम ना करना चाहे, काम है फिर भी नहीं करना चाहते हैं, वो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी की। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट में लिखा हुआ है बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय ऐच्छिक बेरोजगारी को शामिल नहीं किया जाता है। क्या है, बेरोजगारी को उसमें जो है वो शामिल नहीं किया जाता है जब आप अनुमान लगाते हो, क्योंकि ऐसे में काम तो है लेकिन वो जो करना ही नहीं चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर तो जिम्मेदार कोई नहीं है ऐसे उसमें, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसमें, अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक जो है वो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार हों परंतु उन्हें काम नहीं मिले, और इसे खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। चलिए जी ये बातें हो गई इतनी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में जो है एक वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, एक होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक, जो भी मैं बात कर रहा था। स्वैच्छिक बेरोजगारी में पता है क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मैं वही सोच रहा था कि एग्जाम्पल याद करने की, ऐच्छिक या स्वैच्छिक, जो साधु संत लोगों को देखे हो आप, या जो धनाढ्य लोग हैं पैसे वाले, वो चाहते हैं क्या कहीं नौकरी कर रहा, नहीं ना, है ना। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है साधु संत या ऐसे, उसमें आप किसी भी मौलवी या इनको लेकर के बात करते हो किसी भी धर्म के, उसमें वो और जो धनाढ्य लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो है इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेंगे। किसी के बाप दादा इतना पैसा रख के गए हैं कि उनको बिजनेस वजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और जो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है वो अभिशाप है इकॉनमी के लिए। कौन सी, अनैच्छिक बेरोजगारी, ये वाली अभिशाप है। और ये चीज़ बताई गई प्रोफेसर J.M. Keynes के द्वारा, नाम याद कर लो, प्रोफेसर जे एम कीन्स ने इसे अभिशाप बोला था। घर्षणात्मक, जो मैं फ्रिक्शनल बात कर रहा था, जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य नौकरी को बदलने से होता है, घर्षणात्मक उसे बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, घर्षणात्मक, हाँ जी, तो फ्रिक्शनल कहते हो। और बाकी इसमें आप पढ़ सकते हो कि एक, मतलब एक जगह नौकरी कर रहे हैं फिर वो बदल करके दूसरी जॉब स्विच कर रहे हैं, जॉब स्विचिंग सुने होंगे ना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो दूसरी जॉब स्विच कर रहे हैं तो बीच में कुछ दिन के लिए होता नहीं है कि वो बैठे रह जाते हैं फिर, है ना, कि अभी भाई दूसरे से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और सारी चीज़, वो बेरोजगारी, क्योंकि उस समय तो बेरोजगार होते हैं वो, ठीक है। ये चीज़ यहीं से निकल करके आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, ध्यान दीजिएगा। ऐसे में क्या होता है,
वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है। वहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो फिर ये बेरोजगारी देखने को मिलेगी। या आप बात कुछ पढ़ सकते हो, जैसे कुछ उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, सामाजिक आर्थिक ढांचा जो है वो पिछड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ें क्या है वहाँ पर भाई, वो सारी चीज़ें पिछड़ी हैं तो लोग कैसे काम करेंगे? लोग काम नहीं करेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। चक्रीय साइक्लिकल बेरोजगारी। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, एक ट्रेड साइकिल चलती है, ऐसे साइकिल चलती है। तो एक होता है बूम, यहाँ पर बूम आता है, फिर यहाँ पर रिसेशन आता है, मंदी, और यहाँ पर तेजी वाली बात है ना, यहाँ पर तेजी, यहाँ पर मंदी, आपने सुना होगा। तो यह है चक्रीय, ये चक्र जैसा चलता रहता है, ठीक है। कभी रिसेशन होगा, मंदी, कभी बूम होगा, ऐसे उसमें। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो, जो चीज़ें बताई गई एकदम सिंपल से शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए, चक्रीय बेरोजगारी। ओके, कभी भाई जब बूम होगा, सुनिएगा कैसे, बूम मतलब जब तेजी होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन जब रिसेशन या मंदी आएगी तो मांग भी कम होगी, और मांग जब कम होगी तो सीधी सी बात है, जब मांग है ही नहीं पब्लिक में, तो मुझे उत्पादित करके करना क्या है, और उत्पादन कौन करता है, वही मजदूर, आप लोग ऐसे, उसमें जो भी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को मैं रखूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे उतनी डिमांड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिमांड की फुलफिल नहीं करनी है, मतलब फुलफिलमेंट करना है नहीं, तो मैं उत्पादन भी नहीं करूँगा, उत्पादन नहीं करना है तो भाई क्या ज़रूरत है फिर लोगों की, फिर से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। चलिए जी, मौसमी बेरोजगारी है, इसे भी देखिएगा, जो मौसम के कारण जो आपकी बेरोजगारी देखने को मिलती है, पॉइंट मैंने लिख दिया है, आसानी से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करते हो। तकनीकी बेरोजगारी लिखा है, तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, और यह बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तनों के कारण देखने को मिलती है, पूंजी प्रधान है, ठीक है। आपको पता है जो आधुनिक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी, वो पूंजी प्रधान है, आपका कैपिटल वहाँ पर मेजोरिटी या पूंजी मतलब धन, धन होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है ऐसे उसमें। तो तकनीकी से रिलेटेड खुली बेरोजगारी, ओपन, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, जस्ट पहले भी हम इसी के बारे में बात कर चुके हैं, कोई काम नहीं है, थोड़ा सा काम भी नहीं मिल रहा होता है ऐसे उसमें। छिपी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड इकॉनमी, आपको मैं बता दूँ, जब आप डिसगाइज्ड इकॉनमी की बात करते हो, एक सवाल पूछा जाता है यहाँ से, भारत में सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, वो है डिसगाइज्ड इकॉनमी, छिपी बेरोजगारी। आपको मैं बता दूँ, मान लीजिए 10 हेक्टेयर की का खेत है, 5 लोग हैं और उसमें 10 टन, मान लीजिए 10 हेक्टेयर में 10 टन उगा रहे हैं, ठीक है, 3 लोग भी हो सकता है 10 उसी खेत में काम करें और 25 टन वो चीज़ निकालें, 2 लोग मान लीजिए कहीं चले गए, ठीक है, कोई दूसरे कहीं चले गए या कुछ काम कुछ दिन तक नहीं किया ऐसे उसमें। आपने देखा होगा आपके भारत में क्या होता है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, लोग होते हैं, और ऐसे में क्या देखने को मिलता है आपको, 1-2 लोग जो है काम कर रहे होते हैं और उसके पीछे बाकी लोग बैठ के खा रहे होते हैं, समझ रहे हो, ये छिपा है, ये डिसगाइज्ड इकॉनमी है, वो पीछे बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। खेत तब भी उतना था, उतना ही उत्पादन हो रहा है, इतने भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, तो वो आराम से बैठे हुए हैं बस, ये सबसे बड़ी बात है। ये जैसे होते ना कि यार आपके यहाँ यही कहा जाता है कि कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं, तो ये जो डिसगाइज्ड इकॉनमी है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ भारत में मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी भी है इसमें, वर एक पॉइंट जो है आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो कि शिक्षित बेरोजगारी को कैसे परिभाषित किया गया है। आशा करते हैं कि पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभिप्राय उन लोगों की बेरोजगारी से है जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की यहाँ पर हो सकती है। प्रभाव क्या है, मानवीय साधनों की हानि, यहाँ से सीधा सीधा पढ़ सकते हो क्या है हानि, निर्धनता में वृद्धि, सामाजिक समस्याएं भी आ सकती हैं, समस्याएं जैसे बेईमानी है, अनैतिकता है, शराबखोरी हो गई है ना, जुएबाजी है, चोरी डकैती, भाई नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे लोग, फिर यही होगा ना। राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलेगी, तोड़फोड़ वाली बात, नेता नौकरी नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप भी आज भी ये चीज़ देखने को मिलती होंगी आपको कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकॉनमी में। मजदूरों का शोषण भी आपको देखने को मिलेगा ऐसे में, जब एम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं होगी, औद्योगिक संघर्ष भी होगा। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली जो है वीडियो को पॉज करते हुए देख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, इतनी बातें हो गई, और आशा करते हैं कि यहाँ पर आपने पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि बेरोजगारी है क्या, आपने समझा होगा कि 15 से 64 साल तक जो भी है, अगर आप उसमें हो और सारी चीज़ें हैं, तो किस तरीके से आप बेरोजगार हो गए। ऊपर और उसके नीचे वाले जो इस ग्रुप के हैं, वो आपके डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ में भी, जो भी जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हो। नए वीडियो में हम जल्दी ही हाजिर होते हैं। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।